हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल घर का खाना विद मधुस्मिता। तो आज मैं लेके आई हूँ एग करी। एग करी तो हम हमेशा नॉर्मल वही सिंपल तरीके से बनाते हैं, अंडे को उबालते हैं और उसका करी बनाते हैं, लेकिन मैं आज बनाने जा रही हूँ ऑमलेट वाली एग करी। थोड़ा सा तो डिफरेंट ट्राई करना चाहिए ना, हमेशा एक ही क्या टाइप का क्या खाना, हमेशा थोड़ा थोड़ा अलग से ट्राई करेंगे तो मुँह में भी स्वाद अलग सा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने एग करी बनाने के लिए जो है अंडा ले लिया है, उसे अच्छे से फोड़ के निकाल दिया। मैं यहाँ पे 4 अंडे लिए हैं, आप अपने हिसाब से लीजिए, आपको जितना चाहिए उसके हिसाब से। तो यहाँ के अंडे को फोड़ लेते हैं। उसके बाद जैसे हम ऑमलेट बनाने के लिए जैसे तैयार करते हैं ना, उसी तरह से मैंने हल्का सा नमक लिया है, थोड़ा सा हल्का सा, ताकि उसमें मतलब जो है बिना नमक ना लगे ऑमलेट भी। थोड़ा सा हल्का हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर जो ऑप्शन है तो आप चाहे तो उसे डालिए, वरना स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब चलिए हम ऑमलेट बनाएंगे। तो आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे तवा लिया है तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑमलेट जैसे सिंपल बनाते हैं, उसको उलट पलट कर लीजिए। उसके बाद अपने हिसाब से इसे कट कर लीजिए, जितना छोटा चाहिए, जितना बड़ा चाहिए, जितना मोटा चाहिए भाई। मैं यहाँ पे छोटे छोटे पीस में कट कर लिया। अब मैं यहाँ पे कढ़ाई लेती हूँ, उसमें तेल डाल दिया मैंने। अब उसमें डालते हैं तेज पत्ता, एक लाल मिर्च और एक थोड़ा सा जीरा 1 चम्मच के करीबन। और उसके बाद हम कटली रफली चॉप किए हुए अनियन डाल देते हैं और उसको हल्का सा ब्राउन होने तक स्लाइड सा उसको मतलब भुनेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट डालेंगे। आप चाहे तो अलग अलग भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक साथ पेस्ट कर दिया। उसको हल्का सा भुनेंगे जब तक ये मसाला अच्छे से नहीं बन जाता। मसाला होने के बाद उसमें हम डाल देते हैं 1 टमाटो, ना हो तो भी चलेगा, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, दिल पे पत्थर रख के डाल रही हूँ। उसके बाद हम डालते हैं थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। उसको डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी डालेंगे। उसको पानी को हल्का 1 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें आलू डाल देते हैं। आलू को पकने तक हम इसे ढक्कन लगा के रखेंगे और ये हमारा आलू पक चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं हमारे जो एग है, जो ऑमलेट है, उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे जितना आपको ग्रेवी रखना है उस हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे और उसको कुछ देर तक पकाएंगे। ऊपर से हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं, थोड़ा सा मेथी पत्ता, अगर आपके पास धनिया पत्ता है तो वो भी डाल सकते हैं। उसको पकाने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ देर तक पकाएंगे, उबाल आने तक हम इसे निकाल दिया है मैंने प्लेट पर। और ये हमारी एग ऑमलेट वाली एग करी बन के तैयार हो चुकी है। कैसी लगी आपको ये रेसिपी आज मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सिंपल और इजी, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी, मतलब हर रोज़ क्या मसाले डाल डाल के खाना, थोड़ा सा टेस्टी और हेल्दी भी देखना पड़ता है ना। तो ये हमारा जो ऑमलेट वाला एग करी बन के तैयार हो चुका है। आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा शेयर कर लीजिएगा। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। और क्या ही बोलो भाई, बनके तो तैयार हो चुका है। सिंपल और इजी तरीके से हमारा ऑमलेट वाला एग करी बनके तैयार हो चुका है। आप बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए और मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।